दोस्तों, लाइफ में अपग्रेड होना बहुत ही जरूरी है और मैं थोड़ा सा अपग्रेड हो गया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं करूँगा इसी लैपटॉप का अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू। दोस्तों, ये एक शुभ मुहूर्त है और मेरे पूर्वज कहते थे शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए, इसलिए अनबॉक्सिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। लैपटॉप दोस्तों बाहर आ चुका है। बॉक्स के अंदर एक और सेक्शन था जिसके अंदर हमें मिलता है इसी लैपटॉप का ऑक्सीजन। 3.33 एम्पीयर एंड 65 वाट का ये चार्जर है जो कि लैपटॉप को बहुत ही फास्टली चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, ये रहा HP Pavilion X360 लैपटॉप। दोस्तों बहुत ही तगड़ा लग रहा है। ऑफ कोर्स दोस्तों, पैसा तगड़ा लगा है तो लैपटॉप तगड़ा लगेगा ही। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है HP का ब्रांड लोगो। दोस्तों ये एक कन्वर्टिबल लैपटॉप है। जिनको नहीं मालूम कन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, कन्वर्टिबल मतलब दोस्तों परिवर्तनीय होता है। आप लैपटॉप को 360 डिग्री पे मूव कर सकते हैं। इसे मैं एक ऑलराउंडर लैपटॉप भी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप इसे एज ए लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आप इसे एज ए टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स मोड में यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट वन माय फेवरेट, आप इसे टेंट मोड में यूज कर सकते हैं। टेंट मोड का दोस्तों अपना एक अलग ही फायदा है। जैसे गौतम बुद्ध जी पेड़ के नीचे अपने ज्ञान को प्राप्त किए थे, वैसे ही आप अपना ज्ञान इस टेक्निकल टेंट के अंदर जाके प्राप्त कर सकते हैं। लैपटॉप i5 10th जनरेशन है। इसमें हमें 8GB रैम एंड 512GB सॉलिड स्टेट ड्राइव मिल जाता है। अगर बॉडी के बारे में बात करें तो दोस्तों फुल बॉडी AL का मैटी फिनिश है। आप दोस्तों सोच रहे होंगे AL मतलब क्या होता है, अल्मुनियम होता है दोस्तों। बट आप सोच रहे होंगे हम AL बोल क्यों रहे हैं। केमिस्ट्री में दोस्तों मुझे बिना पढ़े हुए 84 मार्क्स आ गए हैं। खुशी से दोस्तों मेरा मन कर रहा है मैं सारा कुछ केमिस्ट्री में ही बोलूं, इतनी खुशी। तो अब मैं बात करता हूँ इसके हिंजेज के बारे में। हिंजेज दोस्तों खूबसूरत है। हिंजेज में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। दोनों हिंजेज के बीच में यहाँ पे आपको एक पवेलियन का सिंपल सा ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सुपर स्पीड USB पोर्ट। आफ्टर डैट यहाँ पे आपको मिलता है 3.5mm का ऑडियो जैक पोर्ट। यहाँ पे आपको इसका रेडिएटर फैन दिया गया है। एंड लास्ट में यहाँ पे आपको इसी लैपटॉप का पावर बटन दिया गया है। राइट साइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। आफ्टर डैट यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको एक और सुपर स्पीड USB पोर्ट दिया गया है। सुपर स्पीड USB पोर्ट के हेल्प से आप 5 mbps के हेल्प से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है Type-C पोर्ट। एंड लास्ट पोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है SD कार्ड का। ग्रिप के लिए लैपटॉप के बेस में आपको 4 पैड्स दिए गए हैं। सारे पैड्स दोस्तों रबराइज्ड फिनिश्ड हैं। एंड बिकॉज ऑफ लॉन्ग पैड्स लैपटॉप को पैड्स बहुत ही तगड़ा ग्रिप प्रोवाइड करेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्लिम है। 19mm इसका थिकनेस है दोस्तों। एक नॉर्मल फोन का थिकनेस दोस्तों 8mm का होता है। एंड इसी से आप इसके थिकनेस को फील कर सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों मैं लैपटॉप के एक्सटर्नल बॉडी के बारे में बात कर रहा था। अब मैं लैपटॉप को ओपन करता हूँ। मतलब लैपटॉप को ओपन कर लिए थे, फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं। लैपटॉप को नजर ना लगे इसलिए HP वालों ने यहाँ पे काले कटे कपड़े का यूज किया है। वेरी नाइस दोस्तों। आफ्टर डैट यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कीपैड सारा कुछ कितना ज्यादा कूल लग रहा है। एंड ये है इस लैपटॉप का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के नीचे वाले बेजल्स पे आपको HP का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। 14 इंच का ये फुल HD डिस्प्ले है। एंड मैं आपको बता दूं ये एक WLED डिस्प्ले है। एंड आप इसके बेजल्स को भी देख सकते हैं कितना ज्यादा कम है। ये एक टच स्क्रीन लैपटॉप है, ये तो आप देख ही रहे होंगे। ऑफ कोर्स आप इसके थिकनेस पे कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्लिम डिस्प्ले है इसका। डिस्प्ले के ऊपर वाले बेजल्स पे आपको इसी लैपटॉप का कैमरा दिया गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। एंड अब मैं बात करता हूँ इसी लैपटॉप के कीबोर्ड सेक्शन के बारे में। टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ योर PC यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स कीबोर्ड के कीज नेक्स्ट लेवल के हैं। इनके सारे बटन्स भी दोस्तों AL फिनिश्ड हैं। एक चीज दोस्तों मैंने अभी नोटिस किया है, कुछ बटन्स दोस्तों मिसिंग लग रहे हैं, बट मिसिंग नहीं है। 14 इंच के लैपटॉप में आपको कीज ही कम मिलते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। नंबर कीज एंड उसके इर्द गिर्द जो भी कीज होते हैं वो आपको 14 इंच के लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता है। ऊपर के साइड में हमें लैपटॉप का स्पीकर दिया गया है। स्पीकर का जो सीलिंग है दोस्तों वो मुझे बहुत ही सही लगा। जिस लैपटॉप को मैं पहले यूज करता था उसमें दोस्तों पता ही नहीं चलता था आवाज कहाँ से निकल रहा है। काफी रिसर्च के बाद पता चलता था इसका स्पीकर यहाँ पे है। इस लैपटॉप का स्पीकर का क्वालिटी दोस्तों बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। डेफिनेटली दोस्तों नेक्स्ट लेवल का होना ही है। जो स्पीकर इस लैपटॉप में यूज हुआ है उसे ट्यून्ड किया है बैंग ऑल्युप्सन वालों ने। जैसे सैमसंग के फ्लेक्सी फोन में AKG ट्यून्ड करते हैं उनके स्पीकर्स, वैसे ही HP के प्रीमियम लैपटॉप्स में B&O वालों इसके स्पीकर्स को ट्यून्ड करते हैं। दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं या फिर आपके माथा के ऊपर से जा रहा सब कुछ। आपको सीधा साउंड क्वालिटी इस लैपटॉप का सुनाते हैं।
सॉरी दोस्तों सॉरी, मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ। म्यूजिक बेस ट्यून सारा कुछ दोस्तों, इसका बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। दोस्तों बैंग ऑलिफसन वालों ने एक नेक्स्ट लेवल का स्पीकर प्रोवाइड किया है इसमें। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, कीबोर्ड में आपको बैक लाइट देखने को मिल जाता है। बैक लाइट के ब्राइटनेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस लैपटॉप का बैटरी परफॉर्मेंस दोस्तों एक्सलेंट लेवल का है। अगर आप इसे कंटिन्यूसली एवरेज यूज कीजिएगा तो ये आपको 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप दे देगा। तो अब मैं इसके प्राइस के बारे में बात करता हूँ। मैंने एक स्टोर से इसे परचेज किया था, विथ बैग मुझे इसका प्राइस 67,000 पर गया। मैंने इसके पेन को भी ऑर्डर कर दिया है दोस्तों, उसका प्राइस आपको 3,000 के अराउंड पड़ता है। इसके और कुछ एक्सेसरीज है दोस्तों, जब सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।